नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक कैब ऐप के बारे में और जानेंगे कि हम कैसे बहुत ही कम पैसे में अपनी कैब को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक कैब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल नंबर और OTP की सहायता से इसको लॉगिन कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद आपने इसमें अपना नाम और ईमेल आईडी को फीड कर देना है। दोस्तों इस कैब सर्विस का ऑपरेशनल एरिया गुड़गांव IGI एयरपोर्ट साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली है। दोस्तों इसमें आप सिटी राइड 119 रुपए से और आवरली राइड 219 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी लेके ये चल रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आपको इसमें अपनी लोकेशन को ऑन करना होगा, इसको ऐप को अलाउ करना होगा, ये आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगी। दोस्तों इसके पश्चात आपने इसमें अपना प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने अपडेट किया हुआ है। उसके बाद आपने इसमें डेट ऑफ बर्थ और अपने जेंडर को अपडेट करना है और आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमें रेंटल बुक करने के लिए रेंटल में जाना होगा और लोकेशन हमें मैनुअली फीड करना होगा। अगर इसने ऑटोमेटिक लोकेशन आपने डाला तो लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। दोस्तों उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कितने घंटे के लिए गाड़ी को बुक करना है, किलोमीटर भी इसमें दिया हुआ है और आपने अपने जरूरत के हिसाब से चेकआउट कर लेना है आपको कितने किलोमीटर या कितने घंटे के लिए गाड़ी का रिक्वायरमेंट है। और गाड़ी भी इसमें दो किस्म का दिखाया हुआ है, जैसे कि क्लासिक और प्रीमियम, इसी के हिसाब से इसमें चार्जर यानी कि फेयर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें उन्होंने फेयर के बारे में भी बताया हुआ है कि वह फेयर इसमें कैसे अपग्रेड होता है। आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं कि रेंटल इसमें अपग्रेड कैसे होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही कम रेट में गाड़ी को बुक कर पाएंगे। दोस्तों आप इस ऐप से सिटी राइड को भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने लोकेशन ऑन किया है तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा या फिर आपको आपका लोकेशन मैनुअली फीड करना होगा और जहां पे आपने जाना है जो आपका डेस्टिनेशन लोकेशन है उसको भी आप इसमें फीड कर देंगे। उसके बाद आपको डेट और जो समय है उसका आपको सिलेक्शन करना होगा और जो टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है वह इसमें आपको नहीं दिखाएगा, उसमें दिखाएगा कि अवेलेबल नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम स्लॉट को इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अवेलेबल ऑफर होगा वह भी आप इसमें लगा सकते हैं और उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना होता है। जैसे आप कंफर्म कर देंगे तो आपका जो कैब बुक हो जाएगा। दोस्तों इस ऐप के द्वारा आप बहुत ही कम चार्जेस में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कैब का बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी लोकेशन को अपडेट करना होगा और आपको टैक्सी का जरूरत कब है उस डेट और टाइम को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप इसमें ऑफर कोड भी आप लगा सकते हैं जिससे कि आपको बहुत कम प्राइस में कैब का बुकिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस कैब का सर्विस अच्छा नहीं लगता है तो आप माई प्रोफाइल में जाके सेटिंग में जाके ऐप से अपनी आईडी को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भविष्य में फिर से आईडी क्रिएट करनी होगी तो आप आसानी से इसमें फिर से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कैब का सर्विस कैसा लगा है और आपको फाइनेंशियल कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें बाकी कैब सर्विस के मुकाबले बहुत कम चार्जेस लगता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और इस प्रकार की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक करिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय।